हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पांच ऐसे स्टॉक के ऊपर जहां पे कि हम लोगों को एक अच्छा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है आने वाले नेक्स्ट कुछ वीक्स में। इन सभी स्टॉक्स में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। आप चाहे तो इन सभी स्टॉक्स को छोटे टाइम फ्रेम में भी ट्रेड कर सकते हैं, 1 आवर डेली या फिर 30 मिनट 15 मिनट भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग इस स्टॉक को वीक बेसिस पे डिस्कशन करने वाले हैं, यहाँ पे कि नेक्स्ट आपको 2 to 3 वीक या फिर 4 वीक्स के अंदर हम लोगों को एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक होने वाला है, कहाँ पे चार्ट्स में ब्रेकआउट आया है, कौन कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट होने वाला है, सभी पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ चार्ट पैटर्न को भी डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको सभी पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशंस पे क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग स्टॉक के ऊपर। सबसे पहला स्टॉक है इसजैक। इसजैक के शेयर में अगर देखेंगे तो सबसे पहले यहां पे अगर देखेंगे तो स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला। ये ब्रेकआउट हुआ था 870 के लेवल के ऊपर। स्टॉक ने अपने आईपीओ के बेस को भी ब्रेकआउट दिया। साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो स्टॉक ने 2 इयर्स के टेन्योर में एक अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया था, उसका भी स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अगर देखेंगे तो स्टॉक ने ज़्यादा बड़ा मोमेंटम अभी किया नहीं है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न के साथ साथ अगर देखेंगे तो एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का भी फॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ नहीं है बट स्टॉक लगातार जो है आपको ऊपरी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ही प्यारा फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर हम लोग देखेंगे ऊपर की साइड में स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दिया है। क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज दिया है वीकली बेसिस पे। वैसे अगर बात करेंगे तो स्टॉक का ऑल टाइम हाई 1058 का है। तो एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है हम लोगों को इस वीक में आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे स्टॉक जैसे ही इस हाई को क्रॉस करेगा, 1058 के लेवल के ऊपर स्टॉक जैसे ही निकलना स्टार्ट करता है यहाँ पे कि हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा रैली ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक के ऊपर इससे पहले भी मैंने हैंडल पे भी आपको पोस्ट किया था इन द मंथ ऑफ नवंबर, तभी स्टॉक जो है आपको 933 के लेवल पे मंथली बेसिस पे क्लोजिंग दिया था। एक बहुत ही अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, साथ ही साथ एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का भी ब्रेकआउट मंथली बेसिस पे देखने को मिला था। मैंने आपको टारगेट दिया था 1150 का और 1500 का। ऑलमोस्ट जो है 1058 का स्टॉक ने यहाँ पे हाई लगाया है और करेंटली जो है स्टॉक 1033 पे ट्रेड कर रहा है। तो इनकेस अगर अभी तक आप लोगों ने ट्विटर हैंडल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक के थ्रू जो है आप ट्विटर या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस स्टॉक में ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेते हैं, अभी इस फ्लैग एंड पोल पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो फिर जो है यहाँ पे आप अपने SL को प्लेस करके रख सकते हैं 945 के नीचे, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली 3 वीक स्टॉक सपोर्ट लिया है। तो इस लेवल के नीचे अगर आता है तो वापस से जो है और फर्दर गिरावट देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए जो है आप यहाँ पे इस स्टॉक को 945 के नीचे वीकली बेसिस पे क्लोजिंग देके अपने SL को प्लेस कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का आपका रिस्क रहेगा। ऊपर की साइड में 1150 1250 ये सभी लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे तो नेक्स्ट स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस का स्टॉक एक बहुत ही अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर रिसेंट के टाइम में देखेंगे मार्केट में करेक्शन जरूर हुआ बट इन्फोसिस ने अपने लेवल्स को काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड किया है। स्टॉक जो है बहुत ही स्ट्रांग तरीके से अपने इस लेवल को होल्ड किया है और 2 वीक से स्टॉक जो है काफ़ी नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है।
वीकली बेसिस पे चार्ट सेटअप आपको देखने में उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा होगा, बट यहाँ पे मंथली बेसिस पे देखेंगे तो स्टॉक बहुत ही बुलिश टेरिटरी के लिए जा रहा है। स्टॉक लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा था, मार्केट में तेजी देखने को मिल रहा था, फिर भी ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था और अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेकआउट करना स्टार्ट कर दिया है। अभी मंथली कैंडल क्लोज होने में नेक्स्ट 3 ट्रेडिंग सेशन रिमेनिंग है, तो यहाँ पे जो है जब मंथली कैंडल क्लोज हो जाएगा 31 जनवरी को, उसके बाद हम लोगों को देखना पड़ेगा स्टॉक जो है इस लेवल के ऊपर होल्ड करता है या नहीं। 1670 के लेवल के ऊपर अगर स्टॉक यहाँ पे होल्ड कर जाता है तो फिर इस स्टॉक में जो है एक शानदार तेजी ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अगर लगातार देखेंगे, डेली बेसिस हो, वीकली हो, मंथली हो, तीनों ही टाइम फ्रेम में हम लोगों को स्टॉक जो है एक अच्छा बुलिशनेस यहाँ पे शो कर रहा है। स्टॉक में नीचे के लेवल से एक अच्छा तेजी हुआ और तेजी के बाद से स्टॉक जो है लगातार आपको एक छोटे ट्रेड रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक जो है यहाँ पे डेली बेसिस पे एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का भी फॉर्मेशन कर रहा है और हम लोगों को पता है कभी भी फ्लैग एंड पोल पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होता है टारगेट होता है पोल लेंथ। यहाँ पे पोल लेंथ है तकरीबन 150 पॉइंट का, ऊपर की साइड अगर 150 पॉइंट को प्रोजेक्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट जो है आपको 1880-1900 का लेवल आता है। तो स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे इस स्टॉक में भी हम लोग करेंट लेवल पे बाई कर सकते हैं अगर यहाँ पे आपको स्टॉक 1670 के लेवल के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। हम लोगों का नीचे की साइड में जो है आपको एसएल रहेगा 1600 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। अगर स्टॉक 1600 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे निकल जाता है तो फिर ये ब्रेकआउट जो है वो आपको फेल हो जाएगा या फिर जो है टेम्पररी आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा, फिर थोड़ा सा और आपको वेट करना पड़ सकता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो फिर 1600 के नीचे अपने एसएल को प्लेस करके इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। ऊपर के साइड में जो है 1750, इसके ऊपर 1850, 1900, ये सभी लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। थर्ड स्टॉक की बात करेंगे, थर्ड स्टॉक है संगम इंडस्ट्रीज। संगम इंडस्ट्री के शेयर में अगर देखेंगे, अगर आप इतने ही चार्ट पैटर्न को देखेंगे 2022 से, तो स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 2022 के जनवरी से। अगर देखेंगे तो ये आपको 2 ईयर का एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और उसके बाद जो है ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया स्टॉक ने इस लेवल को और अब स्टॉक ने यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज दिया है। तो एक काफ़ी अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा आप इस चार्ट को स्क्वीज करके देखेंगे तो आपको एक काफ़ी लंबे समय का जो है यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न का भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न का भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो एक अच्छा ब्रेकआउट जो है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डबल कंफर्मेशन है इस स्टॉक में, तो यहाँ पे जो है इस स्टॉक को भी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर सकते हैं। हम लोगों को पता है कभी भी अगर राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट होता है टारगेट क्या होता है, टारगेट होता है ये डेप्थ। यहाँ पे डेप्थ है 200 पॉइंट से ज़्यादा का, तो यहाँ पे अगर 200 पॉइंट को भी हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो ऊपर की साइड में जो है 650 का लेवल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस पे जो है हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं और हम लोगों का जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस नीचे की साइड में होगा 420 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। जब तक स्टॉक इस सपोर्ट जोन के नीचे क्लोज नहीं होता है, 400 से 420 का जो सपोर्ट जोन है, जब तक इस सपोर्ट जोन के नीचे स्टॉक नहीं निकलता है हम लोग इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ऊपर की साइड में जो है 600, 650, 700 ये सभी का टारगेट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर के स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिल रहा है। स्टॉक जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ही प्यारा ब्रेकआउट हम लोगों को प्रीवियस मंथ में देखने को मिला और उसी का कंटिन्यूएशन जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वीकली बेसिस पे स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया है। स्टॉक 230 के लेवल से स्टॉक में कंटिन्यूअस मोमेंटम हो रहा है। यहाँ पे स्टॉक को अगर देखेंगे तो क्लियरली आपको एक बहुत ही अच्छा फ्लैग एंड पोल पैटर्न देखने को मिल रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप इस पर्टिकुलर वीक में देखेंगे, अभी रिसेंट के वीक में देखेंगे, तो नीचे के लेवल से यानी कि 350 के लेवल से स्टॉक में एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट बिल्डअप हुआ है। तो काफ़ी छोटे स्टॉप लॉस के साथ जो है हम लोग यहाँ पे इस स्टॉक को
बाई कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे इस स्टॉक को। अगर हम लोग बाई करते हैं नीचे की साइड में 335 का हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर की साइड में जो है 400-450 हम लोगों का टारगेट होने वाला है। और लास्ट स्टॉक की बात करेंगे तो लास्ट स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट का जो है रिजल्ट आने वाला है 31 जनवरी को, स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है। सीमेंट सेक्टर के और भी स्टॉक्स के अगर रिजल्ट को देखेंगे, रायपुर सीमेंट, श्री दिग्विजय सीमेंट, इन सभी स्टॉक्स के रिजल्ट को देखेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट जो है सीमेंट सेक्टर पोस्ट कर रहा है। और इसी के एंटिसिपेशन में अंबुजा सीमेंट में भी हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कंपनी एक अच्छा रिजल्ट पोस्ट करेगा। और यहाँ पे सीमेंट सेक्टर में एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है, एक काफ़ी अच्छा रिट्रेसमेंट इस स्टॉक में हो चुका है। और अब स्टॉक जो है स्लो एंड स्टडी ऊपर की साइड में 600 और इसके ऊपर जो है वापस से स्टॉक फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे इस स्टॉक को हम लोग करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं। नीचे की साइड में हम लोगों का 500 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर की साइड में जो है 625-630 आपका पहला टारगेट रहेगा और उसके ऊपर जो है स्टॉक 700 की तरफ मूव कर सकता है। तो आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।